आपको ये मालूम होना चाहिए कि जी एक एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसमें था जी एक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, राइट? और यस डोमिनियन स्टेट के साथ यस जो है इट वाज पास्ड जी एंड इट देन इट उसी का वी आर कंप्लाइंस ऑन वी आर ऑन लीज पार्डन मी वी आर ऑन लीज आवर हाँ फ्रीडम इज ऑन लीज हाँ अब लीज कहो, हम तो लीज भी नहीं कहेंगे, हम बहुत लीचड़ जी व्यवस्था में हैं। एक्चुअली में नेहरू एक जी फ्रॉड आदमी था, ही वॉज जी नेवर डिजर्व टू बी द अवर प्राइम मिनिस्टर। मतलब ये राइट बहुत मैं ड्रेसिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्योंकि जी जो है इस व्यक्ति की दुष्टता के कारण ही सब कुछ हुआ। करेक्ट करेक्ट सर क्योंकि करेक्ट ये जो है एक जो जब जी आप नाकाबिल व्यक्ति जो है कुछ बनना चाहे तो फिर वो जी बहुत कंप्रोमाइज करता है। राइट सर तो जो वर्किंग कमेटी थी जिसमें 15 सदस्य थे, जी नेहरू को उसमें 0 वोट मिला। फिर हाँ राइट 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 इसने जी ब्लैकमेल किया, कह दी जो है ना मैं नहीं बना तो मैं जो है ना कांग्रेस तोड़ दूंगा, और इस तरीके का जी धंधा किया इसने। और फिर नेहरू जी जी उसमें आ गए जी और इसके बाद जो है वो सब कार्रवाई हुई, राइट सर ठीक है ना? तो ये बात अपन को बहुत जोर से समझना पड़ेगी कि जी जब सर तक हम अपनी इंडिपेंडेंस की फ्रॉडनेस में नहीं घुसेंगे, तब राइट तक हमारी जो इच्छा शक्ति है वो एकदम मजबूत नहीं होगी, ठीक है ना? क्योंकि जो तंत्र हमने पाया है, जिस तंत्र का मैं जी हिस्सा सर रहा हूं जी इतने आवाज साल, उठ गई सर है जी, जो आवाज हम, उठ गई हाँ थी सर आप जो जी हमारे जिस तंत्र को हमने पाया है वो जी तंत्र जो है अंग्रेजों ने अपनी सत्ता चलाने के लिए बनाया था, राइट और राइट उस सर राइट तंत्र सर का मैं इतने साल हिस्सा रहा हूं, तो मैं इस बात को बड़ी सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है ना? जी आप वो सर तंत्र जो है आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए बनाया गया था, वो आपको जी ह्यूमिलिएट करने के लिए बनाया गया था। वो रीढ़ की राइट हड्डी सर आपकी अभी भी टूट रही है, ह्यूमिलिएट आपको अभी भी किया जा रहा है। राइट सर पहले राइट जो पैसा जो है वो जी ब्रिटेन में जाता था, अब वो पैसा जी स्विस बैंक में जा रहा है। पहले जो है जी ना गोरे अंग्रेजों का शासन था, अब काले अंग्रेजों का शासन है। जी आप सर ये बताइए, इतनी कमेटियां बन, इतनी कमेटियां बनी, ये जी रिफॉर्म को जो के नाम पे क्यों घबराते हैं? इनको इतनी राइट जो सर घटिया पुलिस है वो इनको क्यों अच्छी लगती है? जी और आप ये बताइए, जी पुलिसिंग इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? संवैधानिक करेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जी उस संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन ना करके खुश होते हैं, गाली देते हैं, लेकिन सर व्यवस्था को नहीं सुधारते हैं। ठीक यदि यदि आप ये देखें तो जी यदि संवैधानिक व्यवस्था संविधान की सर व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रही है, सर सर मैं आपको दूसरे नंबर से कॉल करता हूँ, ये डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं हो रही, मैं हाँ आपको ठीक है ठीक है, दूसरे मैं एक नंबर से काम कॉल करता करूंगा हूं, आपको जी एक सर। लिंक भेजता हूं, हम लोग लिंक के थ्रू वीडियो से बात करेंगे। सर आप थोड़ा सा मुझे एक व्हाट्सएप में हेलो भेजेंगे सर, मैं आपको अपना बायोडाटा तो भेज दूं आप बायोडाटा भेज दीजिए और मैं आपको जो है ना स्वीकार करता हूं कि हम लोग मिलके इस व्यवस्था को बदलें। इसमें तो जी। अपन को सभी लोगों को भिड़ना पड़ेगा, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है है बिल्कुल ना? ठीक और ये व्यवस्था में अपन को ये मानना जी पड़ेगा कि हमें शासन जी और शासन के तंत्र दोनों को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि शासन और सर शासन का तंत्र तो आपके एक्सप्लॉयटेशन के लिए बना है। तो जी। हमें सक्षम सर का मैं आपको धीरे धीरे आपको कुछ व्हाट्सएप की वीडियोस भी अपनी भेजूंगा, हाँ व्हाट व्हाट इज माय ओपिनियन रिगार्डिंग दिस, एक सुधार की लहर की आवश्यकता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि सुधार की बजाय हम समृद्धि ले आए, सुधार अपने आप आ जाएगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो जो है पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने धन कमाया तो फिर उन्होंने सब चीज सीख ली, अच्छे से अच्छे लोगों को एम्प्लॉय कर लिया, और उन्होंने वो मॉडल बनाए जो कि बड़े पढ़े लिखे लोगों ने नहीं बना पाए। नहीं बना पाए तो करेक्ट करेक्ट इसका मतलब है कि समृद्धि भी ज्ञान का एक रास्ता है। राइट सर राइट सर तो राइट यदि हम सर समृद्धि लाएंगे, अच्छा जी दूसरी बात है कि आज आपका ज्ञान सुनने की किसको वो जरूरत है? कोई सुन, ज्ञान तो आपको असिमुलेट नहीं करना चाहता है। हाँ जी तो ज्ञान की बजाय हम प्रोडक्ट और सर्विसेज लाएं। राइट जैसे आप जो राइट मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये कैसे काम जी करता है आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है, लेकिन इट इज ए प्रोडक्ट विच इज डिलीवरिंग सर्विसेज, तो अपना काम कर रहा है। तो हम जो भी बात कह रहे हैं
उसको प्रोडक्ट और सर्विस करके सामने वाले को लाभ देना, उसको ज्ञान क्यों बढ़ा सर? सर रुक रही, मैं दूसरे फोन से आपको कॉल कर रहा हूँ सर। श्योर 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 आवाज़।